एज अ शॉपकीपर ये सही नहीं है एक दिन बंद रखना एक दिन खोलना, क्योंकि इस पर इस हिसाब से कस्टमर भी डिस्टर्ब होते हैं किस दिन खुला है, कौन शॉप खुली है, किस दिन नहीं है, किस दिन। अगर डेली बेसिस पे भी ओपन रहेगा उतना भी भीड़ नहीं है, उतना भी कश्मीर में काम नहीं है। अगर कोई कस्टमर आएगा भी 10 इकट्ठे, 5-6 लोग इकट्ठे नहीं आएंगे। अगर कस्टमर आएगा भी दिन में इक्का दुक्का आता है, वो भी इकट्ठे नहीं आते हैं, तो ऑलरेडी इकोनॉमिकली हम यहाँ पे बिजनेस टोटल ठप है, बंद है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो डेली बेसिस पे ये खोले, हम रोज़ काम पे निकले, बाकी जो भी SOP है हम उस पर फॉलो अप करेंगे। हम SOP तो बिल्कुल फॉलो कर रहे की भी हमने और आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इससे पहले भी गवर्नमेंट ने जिसमें अप्रिशिएट कर दिया कि जो ट्रेडर्स खास कर हैं उन्होंने SOP लागू करने में कोई कोताही नहीं की, और फिर हम एक दफ़ा फिर ये गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हाँ जो भी उनकी तरफ से जो भी SOP आई है हमारे लिए हम उसको किसी भी सूरत में फॉलो करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, ये हमारी जान के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे अयाल के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि SOP किसी भी सूरत में फॉलो हो रादर देन कि लॉकडाउन से बेहतर किसी भी सूरत में SOP फॉलो करना है, वो भी स्ट्रिक्टली। तो जो कल हमारे DC साहब ने स्ट्रिक्टली SOP फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली बोला है, हम उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं यहाँ से कि ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से, खासकर जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, उसकी तरफ से पूरी एश्योरेंस हम दे रहे हैं कि हम उसको किसी भी सूरत में फॉलो करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी जानों के लिए ज़्यादा मुफीद है।